आपका स्वागत है और आज मैं बना रही हूँ वॉन्टॉन। ये एक चाइनीज़ डेजर्ट की रेसिपी है, बहुत टेस्टी लगती है और इसे हम आइसक्रीम के साथ सर्व करते हैं। अगर आप अपने मेहमानों को ये डेजर्ट सर्व करोगे तो वो आपकी तारीफ़ें करते नहीं थकेंगे। तो आप इस डेजर्ट को ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आने वाला है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले देखने मिलेंगे। तो सबसे पहले हम वॉन्टॉन के लिए डो लगा लेंगे, जिसके लिए मैंने लिया 1 कप मैदा और 1/2 कप मैं ले रही हूँ कॉर्नस्टार्च। आप कॉर्नस्टार्च की जगह आरारोट भी ले सकते हो। और अब मैं इसमें डालूँगी 3 टेबलस्पून मेल्टेड बटर। तो ये सॉल्टेड बटर है, अगर आप अनसॉल्टेड बटर ले रहे हो तो थोड़ा सा इसमें सॉल्ट डाल लीजिएगा, 1/4 टीस्पून। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसका मीडियम सॉफ्ट सा हमें डो लगा लेना है। हमें डो बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं रखना है। तो अच्छे से इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका मीडियम सॉफ्ट सा डो लगा लेंगे। तो देखिए मैं किस तरह से कर रही हूँ। तो अब देखिए हमारा डो अच्छे से रेडी हो गया है। तो अब मैं इसे रेस्ट करने के लिए रख दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए। तो अब देखिए मेरे पास यहाँ है ये डेट्स, तो मैं इसे चॉप कर ले रही हूँ। इसका मैं बीज निकाल के इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर ले रही हूँ। तो हम इस डेट्स से बनाएंगे वॉन्टॉन की फिलिंग। तो देखिए इसी तरह से हमें इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। इसके सारे सीड्स हमें निकाल देने हैं और इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। तो इसी तरह से मैं सारे डेट्स को रेडी कर ले रही हूँ। तो चलिए अब हम वॉन्टॉन की फिलिंग रेडी कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने एक पैन हीट कर लिया है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून मेल्टेड बटर और 1 कप डेट्स डाल रही हूँ, जो मैंने चॉप करके रखे हैं छोटे छोटे पीसेस में। तो इसे हम डाल लेंगे। और अब मैं इसमें डाली 1/3 कप शुगर। आप शुगर अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो डेट्स तो अपने आप में ही काफ़ी मीठे होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ शुगर थोड़ी कम रखी है। तो अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून वाटर डालकर इसे अच्छे से हम मिक्स हो जाने तक फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए 1 से 2 मिनट में ही हमारा डेट्स देखिए कितने अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो इसे 1 से 2 मिनट तक और भूनेंगे, थोड़ा सा और अच्छे से ये स्मूथ हो जाए। इसमें बिल्कुल भी गांठे या लम्ब्स नहीं होने चाहिए। देखिए कितने अच्छे से ये फ्राई हो रहा है। इसी तरह से हमें इसे लगातार चलाते रहना है और फ्लेम को हम मीडियम टू लो रखेंगे, नहीं तो ये जल भी सकता है। और अब मैं इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल ली हूँ, जिसको मैंने बारीक कट कर लिया है। मैंने थोड़े से बादाम और काजू लिए हैं, आप अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हो। और 1 से 2 मिनट और फ्राई करूँगी और ये देखिए हमारी फिलिंग बिल्कुल रेडी हो गई है। तो अब हम इसे एक बोल में निकाल ले रहे हैं और इसे अच्छे से ठंडा कर लेंगे। तो इतनी देर में हमारा जो डो है वो भी रेस्ट कर चुका है। तो एक बार फिर से इसे अच्छे से गूंथ कर स्मूथ कर ले रही हूँ मैं। देखिए मैं कैसे कर रही हूँ।
तो चलिए वॉन्टॉन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं डो से छोटे छोटे से इस तरह से लोइयां निकाल लूँगी और इसमें से एक बॉल जैसा शेप बना लेंगे और इसे हम रोल करना स्टार्ट करेंगे। तो इसे बड़ी सी एक रोटी हमें बनानी है, तो इसे हमें बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखेंगे। तो देखिए मैं इसकी थिकनेस कैसे रख रही हूँ। तो मैंने इसे बड़ी सी रोटी ऐसे बना ली है और अब मैं एक कटोरी ले ले रही हूँ जिससे मैं इसे कट कर ले रही हूँ राउंड शेप में। आपके पास कोई भी कटर हो या ग्लास हो जिससे आप इसे राउंड शेप में कट कर लीजिए। और अब मैं इसके चारों तरफ लगा ले रही हूँ पानी और अब हम इसके सेंटर में रखेंगे ये डेट्स की फिलिंग जो हमने अभी रेडी करी थी। तो एक एक स्पून हम ये फिलिंग रख देंगे और अब मैं इसे हाफ में फोल्ड कर दूंगी। जिस तरह से हम गुजिया स्टफ़ करते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें इसे फोल्ड करके स्टफ़ कर देना है और किनारों को अच्छे से दबा देंगे जिससे ये बिल्कुल भी खुले नहीं। अब मैं इसके लास्ट कॉर्नर में हल्का सा पानी लगाऊंगी और दोनों का कॉर्नर को आपस में जोड़ दूंगी। तो ये हमारी वॉन्टॉन की शेप रेडी हो गई है। तो इसी तरह से एक और दिखाती हूँ मैं आपको, कॉर्नर में पानी लगाएंगे और दोनों कॉर्नर को जोड़ देंगे। तो देखिए कितनी अच्छी सी ये शेप बन गई, बिल्कुल फ्लावर के जैसी। तो इसी तरह से हम बाकी के वॉन्टॉन भी रेडी कर ले रहे हैं। तो देखिए मैं कैसे कर रही हूँ। तो देखिए इसी तरह से मैंने सारे वॉन्टॉन कर लिए हैं रेडी। तो चलिए इसे फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक कढ़ाई में ऑयल हीट कर लिया है। तो अब हम इसमें अपने वॉन्टॉन एक एक करके डाल देंगे। तो हमारा जो ऑयल है बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम हॉट होना चाहिए। अगर बहुत तेज़ गर्म में हम डाल देंगे वॉन्टॉन तो ये ऊपर से तो अच्छे से कलर आ जाएंगे और अंदर से ये कच्चा रह जाएगा, इसलिए हमें मीडियम हॉट ऑयल में इसे फ्राई करना है। और फ्लेम को भी हम बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखेंगे, लो टू मीडियम फ्लेम में हमें इसे फ्राई करना है। तो चारों तरफ से उलट पुलट के हम इसे लाइट गोल्डन ब्राउन कलर का फ्राई कर लेंगे। तो देखिए मैं कैसे कर रही हूँ, ये देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया है। तो इसी तरह से हमें इसे फ्राई कर लेना है। तो अब ये देखिए बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गया, तो मैं इसे निकाल ले रही हूँ एक प्लेट में। ये देखिए कितने अच्छे बने हैं ये वॉन्टॉन, तो मैं इसे निकाल ले रही हूँ। इसी तरह से हम बाकी के भी फ्राई कर लेंगे। तो इसी तरह से मैंने सारे वॉन्टॉन कर लिए रेडी। ये देखिए कितने अच्छे बने हैं ये। तो अब मैं इसे सर्व कर ले रही हूँ। तो इसे हम सर्व करेंगे आइसक्रीम के साथ। तो मेरे पास यहाँ है कस्टर्ड आइसक्रीम, तो मैं यहाँ पर 3 स्कूप
आइसक्रीम के ले ले रही हूँ और इसके साथ हम सर्व करेंगे वॉन्टॉन। तो गर्मा गर्म वॉन्टॉन को ठंडी ठंडी आइसक्रीम के साथ सर्व करो, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो थोड़ी सी चेरी मैं डाल दे रही हूँ इसके ऊपर और ये रेडी हो गया हमारा वॉन्टॉन। तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। तो एक मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ ये बाहर से कितने क्रिस्पी हैं और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और मुंह में खुल जाने वाले। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज प्लीज मुझे लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मेरी रेसिपी ट्राई जरूर करिए। थैंक यू।